हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू खबर बॉलीवुड। तेलुगु अभिनेता चंद्रकांत नहीं रहे। अभिनेता ने शुक्रवार को तेलंगाना के अलकापुर स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या की है। चंद्रकांत के निधन की खबर उनकी सह कलाकार और करीबी दोस्त रही पवित्र जयराम की मौत के कुछ दिनों बाद आई है। बीते दिनों एक कार दुर्घटना में पवित्र जयराम की जान चली गई थी। पवित्र जयराम की मौत का चंद्रकांत को गहरा सदमा लगा। वो गम से उभर नहीं पाए। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए चंद्रकांत के पिता के बयान के अनुसार अभिनेता पिछले कुछ दिनों से सदमे में थे। अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आखिरी पोस्ट भी पवित्रा के लिए ही किया था। कथित तौर पर दोनों रिलेशनशिप में थे। त्रिनैनी में दोनों ने एक साथ काम किया था। एक पोस्ट में चंद्रकांत ने लिखा था, मुझे अकेले छोड़ गई, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अपने इस पोस्ट में उन्होंने पवित्रा को टैग किया था। इसके अलावा अन्य पोस्ट में लिखा था, प्लीज वापस आ जाओ, मिस यू, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि तुम मुझे अकेला छोड़ गई, एक बार फिर मेरा नाम पुकारो। चंद्रकांत के निधन से उनके फैंस काफी गमगीन हो गए हैं। एक पोस्ट में चंद्रकांत ने लिखा था, गुड मॉर्निंग नाना, जिम का समय हो गया है, हमारे कोच ने कॉल किया है, लव यू। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा था, नाना बस 2 दिन का इंतजार करो। एक्टर के इस पोस्ट के बाद उनके फैंस काफी डर गए थे। मालूम हो कि 12 मई 2024 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में एक कार हादसे में पवित्रा का निधन हो गया था। पवित्रा हिट तेलुगु टीवी सीरीज त्रिनैनी में तेलुतमा की भूमिका निभाकर घर घर में मशहूर हो गई।